हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर 6 मंथ बच्चों की वीनिंग कैसे स्टार्ट करें, सॉलिड फूड बच्चों में कैसे इंट्रोड्यूस करें। हम मदर्स बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होता है बच्चों का, अब तो ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, बट खिलाने टाइम उतने ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खिलाएं, मॉर्निंग में क्या दें, इवनिंग में क्या दें, आफ्टरनून में क्या खिलाएं। तो इसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैं आपसे अपना होममेड सीरियल की रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं स्टोर करके रखती हूँ, कहीं भी जाना होता है तो लेके जाती हूँ, और ट्रस्ट मी मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। मेरा बच्चा सब खाना खाता है, मैं उसे सब कुछ खिलाती हूँ, इवन दाल चावल भी ग्राइंड करके देती हूँ उसको, सब कुछ खिला रही हूँ। मेरी बेटी अब 8 मंथ की हो गई है। तो सबसे पहले आप 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि जब भी हम फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को, तो स्टार्टिंग में जब खाना दे रहे हो तो लिक्विड फॉर्म में दो, क्योंकि बच्चा जस्ट ब्रेस्ट मिल्क से और फॉर्मूले मिल्क से हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं सॉलिड में, तो स्टार्टिंग में हम लिक्विड फॉर्म में देंगे तो बच्चे को खाने में इजी रहेगा और बच्चा एक्सेप्ट भी करेगा। और धीरे धीरे ही आप पहले स्टार्टिंग में 2 चम्मच दें, फिर 4 चम्मच दें, धीरे धीरे बढ़ाएं। फर्स्ट 6 मंथ में आप 2 चम्मच दें, नेक्स्ट 7 मंथ में आप 4 चम्मच दें, धीरे धीरे करके खाने की थिकनेस भी बढ़ाइए, क्वान्टिटी भी बढ़ाइए, और हमेशा क्वालिटी ऑफ फूड पर ध्यान दीजिए, ना कि क्वान्टिटी पर। और स्टार्टिंग में जब भी हम खाना शुरू कर रहे हैं बच्चों का, तो अपने फर्स्ट 6 मंथ में आप 1 मील ही दें, और कोशिश करें वो 1 मील मॉर्निंग में दें, ताकि मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चा आपके सामने रहेगा, कहीं उसको कुछ भी एलर्जी हो रही है फूड से या फिर बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप कैच कर सकते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग अपने सामने देख के। और 3 दिन सेम खाना दें, ताकि अगर किसी फूड से एलर्जी हो रही है तो भी हम पता कर पाएं कि किस फूड से हो रही है। अगर नेक्स्ट डे हम उसका खाना चेंज कर देंगे तो हम पता नहीं कर पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे कि किस फूड से उसको क्या एलर्जी हो रही है। धीरे धीरे करके आप क्वांटिटी भी बढ़ाइए, खाने का थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, बच्चे का एपेटाइट भी बढ़ता जाएगा, और 7th-8th month क्रॉस करते ही आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, सब कुछ आप उसको खिला सकते हैं। आप मैं अभी अपने बच्चे को दाल चावल भी ग्राइंड करके खिलाती हूँ, मैं राइस और कैरेट बॉइल्ड राइस को ग्राइंड करके खिलाती हूँ, बॉइल्ड बीन्स और बॉइल्ड राइस को ग्राइंड करके खिलाती हूँ, और ट्रस्ट मी मेरा बच्चा बहुत इंजॉय करता है, सब कुछ खाता है। तो चलिए, बहुत बात हो गई, अब होममेड सीरियल की मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे। होममेड पोर्ची के लिए मैंने 1 बाउल में राइस और 1 बाउल में मूंग दाल लिया है। राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 पानी से, और सेम मूंग दाल को भी अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने 2-3 पानी से। और राइस और मूंग दाल दोनों को आपको ड्राई कर लेना है अच्छे से, किसी कपड़े पे रख के या फिर शेड में या धूप में अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद एक पैन में राइस लेके और भूनते रहना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए हैं, बच्चों के लिए हेल्दी रहता है ड्राई फ्रूट्स, और ग्राइंड कर लिया है। एक फाइन सा पाउडर रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस आपको मूंग दाल के साथ भी करना है, पैन में लेके भून लेना है अच्छे से जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। दाल के गोल्डन ब्राउन होते ही धीरे धीरे भूनते रहना है, मीडियम फ्लेम रखिएगा ताकि दाल जले ना। यहाँ दाल गोल्डन ब्राउन होने लगा है, मैंने दाल एक बाउल में निकाल लिया है, इसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, हेल्दी होता है ड्राई फ्रूट्स, ग्राइंड कर लिया है एक फाइन पाउडर में, बाउल में निकाल लिया है दाल भी राइस भी। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स करके एक एयर टाइट जार में मैंने स्टोर कर लिया है। पैन रखा है मैंने गैस पर, और बॉयल होते ही 2 चम्मच मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया है इसमें। जितना आपका बच्चा खाए उस हिसाब से
ऐड करके आप बना लीजिए, ये बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है। ध्यान रखिएगा लम्स ना बने, चलाते रहना है हमें 4-5 मिनट तक। ये एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया है, हम बच्चों को खिला सकते हैं आप किसी भी टाइम। वीट पॉरजी के लिए मैंने एक बाउल वीट ले लिया है, वीट को पैन में ऐड कर दिया है, इसमें मैंने घी भी ऐड किया है। इसको रोस्ट कर रही हूँ जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अच्छा सा स्मेल ना आने लग जाए। ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अब आप देख सकते हैं ये हो चुका है। मैंने इसे एक बाउल में ले लिया है और एक एयर टाइट जार में कम्प्लीटली लॉक करके रख लिया है। अब इसे बनाने के लिए मैंने एक गर्म पानी लिया है कटोरी में और 2 चम्मच ये रोस्टेड वीट फ्लोर ऐड कर दिया है। मीठा अगर खिलाना है बच्चे को तो आप गुड़ डाल सकते हैं या मिश्री डाल के खिला सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप 1 मंथ तक रख सकते हैं, कहीं भी ले जाने के लिए बहुत अच्छा सा पॉरिजी रेडी हो गया हमारा। आई होप आपको मेरी ये होम मेड चैनल की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के लेके जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। आप कहीं भी जाना हो लेके जाइए, स्टोर करके 1 मंथ तक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और खाने के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करिए, धीरे धीरे करके बच्चे का एपेटाइट भी बढ़ेगा, बच्चा भी खाने को एंजॉय करेगा। परेशान मत होइए अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो, अगर खाना अभी नहीं खा रहा है आपका बच्चा तो थोड़ी देर बाद सेम खाने को ट्राई करिए, खाएगा बच्चा, धीरे धीरे सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। परेशान मत होइए, बस रिलैक्स रहिए, पेशेंट रखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और मदर्स को हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। और तब तक के लिए नमस्कार, अपना अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा।